इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी सीजीएल के आपको कैसे अप्लाई करना है, सीजीएल के एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा लाइव दिखा दूंगा कि कैसे इसका फॉर्म भरना होगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद इसमें पूरा अप्लाई कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए फर्स्ट टू लास्ट तक। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका जो ऑफिशियल लिंक है इसमें आना पड़ेगा और इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे वो राइट साइड की देखिए सबसे ऊपर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा आ जाएगा, तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड देखिए आपको लॉग इन करने का ऑप्शन है। हाँ गलती से आप एडमिट में हो जाइएगा, ये एडमिट आपके लिए नहीं है, ये आप कैंडिडेट के लिए है, कैंडिडेट है इसलिए कैंडिडेट का ऑप्शन में आपको लॉग इन करना पड़ेगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है इस पोर्टल में, देखिए पहले से रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम का है, लेकिन इस पोर्टल में ये जो नया पोर्टल आया है एसएससी का, इस पोर्टल में अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन को कैसे करना है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये अलग से वीडियो बनाया हुआ है और इसमें सिर्फ आपको लॉग इन करके कैसे अप्लाई करना है वो मैं बताऊँगा आपको। देखिए अगर आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और इसमें आपको पासवर्ड डाल के आपको लॉग इन करना है। कैप्चा भी डालने का ऑप्शन है, कैप्चा भी आपको डालना पड़ेगा, फिर आपको लॉग इन करना पड़ेगा। देखिए मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉग इन करके दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्टेप स्टेप प्रोसेस। देखिए लॉग इन करने के बाद आपके सामने ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे देखिए लॉग इन करने के बाद आपके सामने ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये मेन डैशबोर्ड है और इसमें देखिए लेफ्ट साइड में मास्टर्स वैकेंसी अप्लाई चल रहा है इसमें वो है, और इस साइड में देखिए कंपनी जजमेंट लेवल का दोनों के नीचे देखिए अप्लाई का ऑप्शन है। तो अप्लाई करने से पहले आप देख लीजिएगा, अगर आप नया अप्लाई कर रहे हो इतना फर्स्ट स्टेप नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर आपको खुद कोई भी इश्यू होता है अप्लाई करने के टाइम तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैं इसका आंसर आपको जरूर दूंगा। देखिए यहाँ पे एम पी एस का अप्लाई के नीचे अप्लाई का लिंक दिया हुआ है, इसमें आपको क्लिक करने के बाद ये आपको एम पी एस में अप्लाई होगा। और यहाँ पे देखिए कंबाइन ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, अगर आप इसमें अप्लाई में क्लिक करोगे तो इसमें आपको सीजीएल में अप्लाई होगा। तो अभी इस वीडियो में मैं सीजीएल के अप्लाई का प्रोसेस बताऊंगा, और एम पी एस का प्रोसेस मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा और आप अप्लाई भी कर लीजिएगा। देखिए कंबाइन ग्रेजुएट लेवल, इसमें मैं अप्लाई में क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा आ जाएगा कुछ इंस्ट्रक्शंस, आपको इंस्ट्रक्शंस देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फिल फॉर्म प्रोसेस कॉल कीजिएगा और फिल फॉर्म में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए इसके जो फॉर्म है वो ओपन हो गए हैं। ऐसे क्या करने का करना पड़ेगा आपको, देखिए अपना जो डिटेल्स है पहले रजिस्ट्रेशन अगर कर लिया है और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आया और लिए शो हो जाएगा, फादर नेम मदर नेम डेट ऑफ बर्थ वो आपको चेक करके आपको कॉल करना है और नीचे नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। ये देखिए सक्सेस दिखाएगा, आपको ओके करना है, ओके करने के बाद नेक्स्ट में आ जाएगा। तो इसमें आपको फिलअप करना पड़ेगा, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितना है, ग्रेजुएशन है पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है वो देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए डिटेल्स ऑफ क्वालिफाई एग्जामिनेशन, इसमें क्वालिफाई एग्जामिनेशन कैसे है, मिनिमम ग्रेजुएशन का ग्रेजुएशन देना पड़ेगा। ईक्यू स्टेटस आपको पास है या फिर अपीयरिंग है, अपीयरिंग होने से भी आप दे सकते हो, तो कौन सी ईयर्स में आपने पास किया था वो भी आपको देना पड़ेगा, जैसे कि मैं 2022 दे दी एग्जाम्पल, और कौन से स्टेट से आपने पास किया ग्रेजुएशन वो देना होगा। नीचे देखिए कौन से यूनिवर्सिटी से आपने क्लियर किया है वो भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और नेक्स्ट देखिए ग्रेजुएशन का रोल नंबर, रोल नंबर आपने टाइप करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं रोल नंबर मैं दे देता हूँ। देखिए पासवर्ड भी देना पड़ेगा आपको, और जैसे जीपीए आपको नहीं देने से भी चलेगा, परसेंटेज और पासवर्ड में से किसी एक देने से भी चलेगा आपको। ठीक है, देखिए मैंने ये फिलअप कर लिया और अभी सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करूंगा, आपको भी ऐसे सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा सब कुछ फिलअप करने के बाद। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे सक्सेस आ जाएगा, यानी कि आपका एडमिशन डिटेल सेव सक्सेसफुली, अभी आपको ओके करना है। ओके करने के बाद देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको देख लीजिएगा वेदर यू एक्सर्विसमैन, मैं एक्सर्विसमैन नहीं हूँ तो नो, अगर आप केस हो आपसे पहले किसी आर्म फोर्स में जॉब किया है तो यस दे सकते हो, नहीं तो नो देना है आपको। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, तो ये देखिए आपको अगर एस सी एस टी ऑफिसर से बिलोंग करते हो ना तो आपको एज रिलैक्सेशन में यस देना होगा, और यहाँ से आपको बहुत चूज करना पड़ेगा कि कौन सा एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाए। मैंने कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है क्योंकि मैं यूअर कैटेगरी में हूँ, अनरिजर्व जनरल हूँ, इसलिए नो देता हूँ। और यहाँ पे देखिए इसको आपको यस कर देना है,
करने के बाद देखिए सेव एंड नेक्स्ट आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे आ जाएगा सक्सेस एडिशनल इन्फॉर्मेशन सक्सेस, ये ओके करना है। फिर देखिए यहाँ पे सेंट्रल प्रेफरेंस का ऑप्शन आ जाएगा, आपको प्रेफरेंस वहाँ को नजदीक के सेंटर है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। ढूंढ लीजिएगा आपका जो नजदीक सेंटर है या फिर नहीं है, ढूंढ के आपको सेंटर चूज कीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे ना वो वहाँ पे आपको एग्जाम हॉल होगा। और सेंटर तो ये मेरा नजदीक सेंटर है, और सेकंड प्रेफरेंस थर्ड प्रेफरेंस का महत्वपूर्ण नहीं है, देना तो पड़ेगा बट कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नीचे देखिए आपका जो इम्पोर्टेंट है ये देखिए, ये जो ऑप्शन है ये आपको डिजेबल देख रहे होंगे, ये तो क्लियर नहीं है यानी कि ये डिजेबल है, इसको आपको क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये सब मत सोचिएगा कि इसका सर्वर डाउन है इसलिए ये शो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, इसे बिल्कुल भी नहीं है, ये डिजेबल करके रखा है क्योंकि देखिए ये डिजिबिलिटी का ऑप्शन है, मैंने पहले डिजिबिलिटी नहीं दिया था इसलिए ये ऑप्शन डिजेबल है। यहाँ पे देखिए कितना परसेंट ये भी डिजेबल है, जो अनेबल है ना यहाँ पे देखिएगा आपको थोड़ा क्लियर अनेबल होगा, बट ये ऑप्शन देखिएगा फिजिकल इन्फॉर्मेशन मैं नहीं है तो नो दे दूंगा। ये भी देखिए जूनियर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर में मुझे अप्लाई नहीं करना है इसलिए नो दे दूंगा। और ये भी देखिए इक्यू पोस्ट जूनियर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ये ऑटोमेटिकली डिजेबल है, और ये देखिए स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर इसमें भी नो, और ये भी डिजेबल है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा और पढ़ के लीजिएगा। फिर देखिए मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू सक्सेसफुली ओके करना है आपको। अभी आ गया फोटो एंड सिग्नेचर का, ठीक है। फोटो एंड सिग्नेचर कैसे अपलोड कर सकते हैं देखिए, फोटो एंड सिग्नेचर के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा कि कैसे आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। बेटर होगा अगर आप मोबाइल से करते हो, मोबाइल से मतलब मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। आपका जो गूगल स्कैनर है इसमें इससे आप इस क्यूआर को स्कैन कर लीजिए, आपका मोबाइल में एक ऑटोमेटिकली एक रिडायरेक्ट आ जाएगा एक SSC का ऐप, इसमें आपको लॉगिन कर सकती है। सिर्फ लॉगिन करके आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए है, आप सिर्फ फोटो अपलोड कर सकते हैं इससे। फोटो कैसे अपलोड करना है बाद में मैं वीडियो बता दूंगा आपको, और कैसे सिग्नेचर बनाना है सिग्नेचर को भी बता दूंगा कि कैसे आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो में फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको कैसे पेमेंट करना है ये इसका प्रोसेस भी मैं बता दूंगा आपको। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।